अंगद गुरु अमरदास पाद बंद रामदास अर्जुन गुरु बर श्री हर गोबिंद हर राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरबिंद जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच बेकार तिन संतन को वंदना सिर चरणन पर तार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आप सारे ही सुभागे आ जो सतगुरु पातशाह महाराज की रहमत दा सदका इस कलयुग के भयानक समय विच गुरु के चरणों की पवित्र हाजरी भर के अपने जीवन के पलों नूं सफला कर रहे प्रबंधक वीरां दे कहण मुताबक धन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज का प्रकाश दिहाड़ा ते दमदमी टकसाल के तेरहवें मुखी संत बाबा करतार सिंह जी खालसा उन्हां दी याद नूं आप मनाउण लई उपराला कीता है। मैं नौजवान वीर तमाम गुरु के सिंह संगतां दा धन्नवादी हाँ जिन्हां ने सतगुरु पातशाह दे चरणां विच बैठ के अपने वड्डे वडेरियां नूं चेते करन दा उपराला कीता। क्यों? क्योंकि गुरु की बाणी दे पावन बोल ने बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन बजुर्गां दे कारनामियां नूं चेते करके असीं अपने जीवन नूं सेध दे सकदे हां। प्रबंधक वीरां दे कहण मुताबक संपूर्ण दिरसा है गुरु है ही संपूर्ण गुरु अधूरा नहीं। कुदरती तौर ते रह राज साहब दे भोग तो उपरंत आप हुक्मनामा सरवण कीता है गुरपूरा नमस्कार है। इस एक पंक्ति च सतगुरु पातशाह ने बहुत वड्डी गल कही है नमस्कार कर पर जने खड़े नूं नहीं। आपां रोजाना रात नूं बराजण लग्गिआं कीर्तन सोहले दी पावन बाणी दा जाप करदे आं कि सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास पातशाह दे पावन पवित्र बचन साडे अंदर घुमदे ने कर अंजली पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे।
अंजली तो भाव बो कढ़ना मंगता बनना, डंडाओ तो भाव है भी डंडे बात सीधा होके नमस्कार तेरे अंदर वल विंगना आ। साडा सुभा है सलाम जवाब दोवें करे मुढ़ों कुथा खजाए। जो धन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह ने पावन फरमान बख्शिया, मैं इथों अपनी विचार नूं आरंभ करा। गुर पूरा नमस्कारे, अज दा जमाना सत बचन दा नहीं। एक जमाना सी कथा करन वाले वीर ने कथा करनी, भावे उहदे विच कमियां भी हुंदियां पर सरोते उहनूं सत बचन करके बरदे सन। अज बलारा बोलदा है उह किन्ना भी सुचेत होके बोले ते आपां कहिंदे उहने गलती कहिड़ी कीती। असीं सरोते घट बणदे आ ते डायरेक्टर ज्यादे, तां कि वेख्या जाए कि उहदा वीक पॉइंट किहड़ा है, उहदी कमजोरी किहड़ी है। गुरमुखो, कलगीधर पातशाह महाराज दे पावन दरबार विच मुसलमान सलार दीन बैठा है। गुरु नानक दा घर तां वड्डा भी इत्थे सारे आउंदे ने जिन्हें धर्म ने ना। धर्म दा अर्थ बड़ा सुंदर है, क्योंकि आप मेरे नालों वध अंग्रेजी जानते हो, जे मैं बोलां तो मेरा प्रोनंसीएशन ठीक नहीं होना। आपां धर्म नूं रिलीजन कहिंदे आ, रिलीजन दो शब्दां दा कंबीनेशन है, री प्लस लेजन। री तो भाव जोड़ना, माफ करना दोबारा, ते लेजन दा अर्थ हुंदा जोड़ना। जिहड़ा टुटी हुई आत्मा नूं परमात्मा नाल जोड़े उहनूं कहिंदे रिलीजन, उहनूं कहिंदे ने धर्म। इत्थे किसे एक ते दो चार लई नहीं, धर्म का अर्थ ही है भी जेड़ा टूटी आत्मा नूं परमात्मा नाल जोड़े उह धर्म। ते इत्थे धर्म है ना, उत्थे विदकरा नहीं, उत्थे वंडी नहीं। उहदी पछाण सानूं तां पता चलेगी भी उत्थों आवाज आउंदी एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुराई। असली धर्म की जगह वो है जिथों मैसेज आउंदा है ना को बैरी ना पगाना सगल संग हमको बनाई। उथों आवाज आउंदी सबको मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन। गुरु नानक पातशाह दे दरबार विच हिंदू मुसलमान साई यहूदी ते बोधी दा विदकदा नहीं। इत्थे औरत ते मर्द दी किसे प्रकार दी वंडी नहीं, बराबर ने। उस गुरु के पवित्र दरबार विच मुसलमान सलार दीन काजी रोपड़ दा बैठा है। मैं बेनती कर रहा गुरपूरा नमस्कार, क्योंकि साडे गुरदेव रहबर ने, ते असीं अपराला करना भी गुरु दे मगर मगर चलीए। गुरसिख मीत चलो गुरचाली, जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा नाली। असीं पढ़दे आं सेवक सिख पूजन सब आम है, सब गावे हर हर ऊतम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाई पावे, जिन सतगुरु की आग्या सत सत करमानी। सलार दीन ने बड़ी जुरत की थी, उन्हें आख्या कलगीधर पातशाह महाराज मेरी एक गुजारिश है बेनती है। मैं हां भावे मुसलमान पर ए बाणी अल्लाह दी कलाम है, ते मैं अल्लाह दी कलाम चो गुरसिखा गुरमुखा को सुनिया है, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। मैं तुहाडे बख्शियां पुत्तरुआं दे कोलों इह सुनिया है, दद्दा दोष ना देऊ किसे, दोष करमा अपणिआं, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर जणा।
ਇਹ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਓ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੇੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਓ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਚੜ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖਰ ਪੁੱਠੇ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੈੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਲਾਰ ਦੀਨਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖ ਪੜਦਾ ਹੈ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੇ ਗਹਿ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਆਸ ਦੁਆਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਿੱਖੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੱਟ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਈਆ ਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਓ ਬਰਸ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਭਉ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਏ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ ਬਰਸ ਏਕ ਹੋ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੋ ਨੋ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ ਕਹਿਤੀ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਇੱਕ ਨੀ ਕਹਿਤੇ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਤਿਨਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੋ ਗੁਰ ਦਈਓ ਮਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ ਜਿਮ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੋ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਆਧਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਪਰਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮਨ ਹੈ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾ ਮਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਉਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਚਾਰੇ ਕੂੰਟਾਂ ਪਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਹੈ
क्योंकि गुरमुख प्यारियां ने मैनूं हुक्म कीता भी ज्ञानी जी अमृत संचार भी थोड़ा जिहा इहदे बारे भी बेनती करो। 1699 दी विसाखी नूं पिशौर चों इक परिवार आया जिहदे 3 मैंबर ने परिवार दे। पिता दा नाम गुरमुख, बच्चे दा नाम जोगा और उस जोगे दी माता, इन्हां 3 परिवार दे मैंबरां ने कट्ठे अमृत छकिया। कट्ठे गुरु नानक दे घर विच काणी वंड नहीं, बराबरताई है। अमृत छकिया उस मौके परंपरा सी कि सतगुरु पातशाह की आग्ञा लैके गुरु के सिख अपने घरां नूं जांदे सन। माता पिता ने बेनती की, महाराज आप कृपा करो, साडे मन की भावना कि बच्चे गुरमन की सोझी आ जाए, यह संथ्या कर ले ते असीं दोवें जाने नगर नूं। गुरमुखो कलगीधर पातशाह मेरे मालक सुभाए मान ने ते गुरु दे सन्मुख लोता ओ गभरू, ते मेरे पालक मालक ने पूछया भी की ना है तेरा गभरू, आ काका की ना है तेरा, ध्यान दिया जे। उन्हें बेनती की, महाराज पहला नाम जोगा सी ते हुण जोगा सिंह आ, गुरु कमल छकन करके तुसी रहमत कीती है। सतगुरु पातशाह ने सवाल किया किदे जोगा है, किदे जोगा है। आप जिन्हें भी बैठे हैं ना, भागां वालियां रूहां ने गुरु जोगियां, असीं पुत जोगे, असीं पत्नी जोगे, असीं परिवार जोगे, असीं पिंड जोगे, गुरु जोगा भागां वाला। गुरदेव ने पूछा काका नां तेरा बड़ा सुंदर है, ते जोगा सिंगा किदे जोगा है। उन्हें आख्या मालका मैं गुरु जोगा। ते मेरे माल कहन लगे जे तू गुरु जोगा ना जोगा सिंगा ते जा गुरु तेरे जोगा। लब गड़ सलब चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत हैं, भावनी भगत एक रकौडी एक भाग राखे, सतगुरु कोट निधान दान देत हैं, सतगुर दया नित महिमा अगाध बोध, नमो नमो नेत 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 हैं। जोगा सिंह आज आनंदपुरी दे उपर सिख दा ते गुरु दा एक पैकट होया, संधि हुई है, जेड़ा गुरु जोगा गुरु दे जोगा। प्यारियो समय दे नाल आनंद कारज होया, असीं आम करके प्रचारक वीरे कह देने आ के भाई जोगा सिंह लावां छड़ के आया, ये गुरमुख दी कसवटी दे गल टिकदी नहीं। जिस गुरु ने अपने पुत्र नूं इस गल करके मथे नहीं लाया कि उन्हें मिट्टी मुसलमान की थां ते मिट्टी बेईमान कहा, वह गुरु कदे भी गुरबाणी दे खंडन की आग्ञा नहीं देगा। आनंद कारज होया, सिनेहा मिलिया गुरु का, ते जेड़ा गुरु जोगा सी ना वो अपनी पत्नी नू गुरु की फतेह बुला के आनंदपुर साहब नू तुर पिया। ते मैनू माफी दे आजे, अज असी तुरदे ते असी कहिंदे बाए बाए, ते कोई कहिंदा आए आए, सानू गुरु की फतेह भुल गई, सानू बाए ते हाए आए चेते रह गया। पत्नी पति नू तोरदी है, भैन भरा नूं तोरदा है, भैन भरा नूं तोरदी है। अज गुरु बाए पास हो गया ते सानू हाए आए ते बाए बाए चेते रह गई। ते मैनूं बंदे कई पुछदे भी ज्ञानी जी क्यों कहिंदे ने, मैं आख्या बहुता मैं पढ़िया लिखिया तां नहीं, पर मैं गुरबाणी पढ़दा, मैं ग्रंथी सिंह हां ना, ते गुरु की बाणी च लिखिया पापी कर्म कमाम दे करदे आए आए। गुरु की फतेह नाल भी सानू एलर्जी हो गई। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। विक्ट्री बिलोंग्स टू गॉड एंड खालसा बिलोंग्स टू गॉड। जे तू गुरु दा हो जाएगा ना ते कदे हारेगा नहीं।
गुरु के प्यारे जोगा सिंह ने अपनी धर्म पत्नी नूं गुरु फतेह बुलाई। उन्हें हाए हाए नहीं किया, उन्हें बाए बाए नहीं आखिया। हुण एक नवा काम हो गया, अगे सी ऑफ करना है ते ऑफ दा भाव दा बुझा दिओ दीवा गल गुल। जदों आपां दीवा बुझाउने आ ना ते कहिंदे ऑफ कर दिओ। भैण भरा नूं तोरी ते कहिंदे सी ऑफ, ही दा भरा भरा ही ना आवे। हुण एक नवा काम चलिया जी, अखे ए जी बच्चे दा बर्थडे मनाउणा है। मैं कदी मनाया नहीं, मैं गुरु रामदास पातशाह दे दरबार से जाके देख रहा कि पातशाह दी धी दित्ती ते अकल वाली देवी, जे पुत्र दिता ते रहमत करी, तेरे चरणा नाल जुड़िया रह। ते असीं दीवे जगा के मेजते ते कहिंदे आ काका तू 9 साल दा हो गया ते 9 बत्तियां बुझा दे। ते बत्तियां कदों बुझाई दियां, जदों सोग होवे। चंगा कड़मा जमया जिन्हें नेरा ही कर दिता, इहो जिहा पुत जमे ही ना। दीवे बुझाई जांदे रहे, हैप्पी बर्थडे टू यू। सानू गुरु की रहमत भुल गई, विचों सबाबक गल आई। गुरु जोगा धर्म पत्नी नूं फतेह बुला के तुरिया। धर्म पत्नी नूं मन, मैं बेनती की कि मन स्टेबल गुरु की कृपा तो बड़ा नहीं हो सकता। मन बस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए। मनुख जेड़ा गुरु जोगा बनके तुरिया सी, हुशियारपुर तो भाव चलाकी का शहर, हुशियार कहिंदे ने चलाक नूं, आनंदपुर साहब नूं जाणा होवे ना ते दो रस्ते ने, एक कीरतपुर साहब का एक आनंदपुर साहब का। कीरत नाम है वड्याई करन दा। जे वड्याई दे रस्ते तुरांगे ते गुरमुखो पहुंच आवांगे, ते जे आपां चलाकी कीती ते हो सकदा राह वी थड़क जाइए। जिवें आपां चलाकी करदे आ, अखे जी डाई कर लो। मैं जदों नवा नवा कथा वाचक लगा उदों मैनूं इक तौला आया, एक बीबी मैनूं कहण लगी ज्ञानी जी माड़ी जी डाई कर लो। मैं कहा भी भैण जी वो की हुंदी है, अखे तुहाडा तौला कि चिट्टा है। मैं कहा भी नाले मैं भाई गुरदास जी मैनूं पंथ वल्लों पग मिली ते सरोपा देण लगी भी मेरा मूंह काला करन लगी है। एक इहो जिहा फैशन है मूंह काला करना भी शायद गभरू हो जाइए ते मौत नूं भुलेखा पै जाए। चलाकी जेड़ा गुरु जोगा बन के तुरिया सी ना, हुशियारपुर आया गुरु भी भुल गया ते जिस धर्म पत्नी नाल लावां लईआं सन ओह भी भुल गई। धर्म पत्नी भी भुल गई, गुरु भी भुल गया ते चबारे वल वेखण लग पिया। मैं बेनती कर रहा गुरपुरा नमस्कारे, जदों उह चबारे ते चढ़दा ना ते आवाज आउंदी है खबरदार खबरदार। पता नहीं किन्ने गेड़े मारे, दिन दा चढ़ा होया ते वेसवा दे द्वारे ते खलोते हुए पहरेदार ने आखा सिंगा तेरे गुट ते कड़ा तेरे तेड़ कशहरा। कशहरे नूं असीं कहिंदे आ ब्रेकां वाला कशहरा। संत ज्ञानी करतार सिंह खालसा सानूं पढ़ाउंदे सन भी जदों तुसीं कथा करनी ना कशहरे दे बारे ते इहनूं कहिणा ब्रेकां वाला कशहरा। इह गढ़दी वाले कालज एक प्रोफेसर साहब ने संत ज्ञानी करतार सिंह नूं सवाल कीता सी भी तुसीं ब्रेकां वाला कशहरा क्यों पाउंदे हो। गढ़दी वाले कालज असीं विद्यार्थी सां नाल, जिहड़ा उह कशहरा ना इहनूं ब्रेकां तां लगियां भी आपां चौंक च लंघदे आ ना ते जे अगों गड्डी आउंदी लाल बत्ती ते खलो जा। उह किहड़ी है, पर नारी की सेज भूल सुपने हो ना जइयो, पराए बिस्तरे ते भुल के भी ना जाई। पहरेदार ने आख्या प्यारिया तेरे गुट ते कड़ा तेरे तेड़ ब्रेकां वाला कशहरा तेरे गात्रे कृपान ते जिन्हां दे गात्रे कृपाना ते गुट ते कड़े होण उहनां नूं आनंदपुर वाले गुरु की हदायत अमृत वेड़ा सच नाओ वड़ियाई विचार। जेड़े आनंदपुर वाले गुरु के प्यारे कड़े ते कशहरियां वाले ने ना
ਉਹ ਭਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਚਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ। ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਣਗੇ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਪਰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਹੋ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪਏ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਫੇਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਏ, ਕਿਉਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪੂਰਨ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਰਾ ਆ ਸਿੱਖਾ, ਜਰਾ ਦੱਸ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਸਿੰਘਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਰਾ ਦੱਸ ਖਾਂ ਤੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋਗੇ ਬਣਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ? ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੋਸ਼ੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਕਨੈਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਖੁਆ ਖੁਆ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਤਾ ਲਿਖ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਖੁਆ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਵਿਸਾਖੀ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਕੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਵਹੀ ਫੜੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠਾ ਅੱਜ ਲਾਲ ਵਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਥਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਆ ਖੁਆਈ ਚੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਣ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਥਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀ ਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਸੂਨਾ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਧੱਕਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ, ਆ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੇਤੇ ਬੋਰ ਖਾਈ ਖਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ।
उस गुरुदेव ने उस कलगीधर पातशाह महाराज ने सानू हुक्म किया सिखा आग्या पई अकाल की मर्जी नहीं। ओ परिपूर्ण परमात्मा जेड़ा समय दे अधीन नहीं, काल कहिंदे ने समय नू, अकाल तो भाव समय दे चक्कर तो बाहर जेड़ा समय नू घटदा है, ओ समय दे चक्कर तो बाहर परमात्मा दा हुक्म है आग्या पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मैं बेनती कर लगा से विचे रह चली सी जेड़े कहिंदे ने किथे लिखया है, ओ किते ध्यान नाल पढ़न, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आशा, कभे ना व्यापे चिंता। ते चिंता क्यों नहीं व्यापेगी, नानक चिंता मत करो चिंता तिसी ही है। जदों तू एदा हो जाएगा ना तेनू चिंता करन दी लोड़ नहीं, ना कर चिंत चिंता है करते, तेरी चिंता करता करेगा। और वो कहिंदे ने सब सिखों को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मैं संस्कृत के ग्रंथां च पढ़िया है ग्रंथ लफ्ज ग्रंथ तो बनिया, ते ग्रंथ कहिंदे ने गंढ नूं। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं असीं इष्ट क्यों मनदे आ, इह टुट्टियां नूं उस परिपूर्ण परमात्मा नाल जोड़दा है, सुप्रीम पावर नाल जोड़दा है, एक नाल जोड़दा है। ते इहनां च वादा की है, यह बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, आपां सुणदे ते पढ़दे आ, किसे दा दशहरा किसे दी बरसी, लेकिन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दी बरसी ते दशहरा नहीं आएगा। मैं कोई खंडन मंडन नहीं बात कर रहा, आपां दुनियावी लोग वेखदे आ, केवल ते केवल गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह एहो जी महान सत्या है, ना ए मरे ना होवे सोग, देंदा रहे ना चूके भोग, गुण एहो होर ना ही कोए, ना कोआ ना कोए। और सब तो महान गल जेड़ी है ना वो मैं ए समझी है, मेरिया सत्कारयोग भैणा धीआं बच्चियां बैठिया ने, विशेष करके मेरी बेनती ध्यान नाल सुन, मनुख दे कोल बैठिया ते मनुख बेविश्वास है, पता नहीं कदों विश्वासघात करदे। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह संपूर्ण ते महान क्यों ने, साढ़े च पंज ऐब ने, पंज ये वक्री गल है, किसी दी किसी विच कुछ घट है ते कुछ वध, पर आपां पंजां औगुणां तो रहत नहीं। जेड़ा मनुख काम तो बनिया काम तो रहत किवें होवेगा, साढ़े शरीर की उत्पत्ति भावें कोई हिंदू है भावें कोई मुसलमान है भावें असीं चोर हाँ भावें साध हाँ, जेड़ा काम तो बनिया वह काम तो मुक्त नहीं। किसी विच क्रोध है, किसी च लोभ है, किसी ते मोह हावी है, ते हंकार तो है ही प्रबल, काम रोग मैगल बस कीना, होमे रोग मनुखो दीना। 84 लाख जून में सब तो हंकारी है मनुख, जिन्हों ईगोइज्म कहते हैं, मेरियो धीओ मेरियो भैनो, मनुख दे कोल बैठो गियां ते लोकी तुहाडे ते झूठियां ऊजां लाउणगे, तुसी पाक हो पवित्र हो सत्कार योग हो, लेकिन दुनिया की जबान बंद कौन करेगा। मनुख बेविश्वास है, पर तुसी गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज की हजूरी विच आके गुरबाणी पढ़ो, इन्हां नूं चौर करो, इन्हां दे रुमाले धो, ते बंदे कोल बैठियां ते लोकां ने तुहाडे ते झूठे एलीगेशन लाए, तुहानूं भंडिया, कारण वह बंदा बेतबारा है। पर जिहड़ा ये गुरु है ना, जदों धन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज के चरणों नाल जुड़ो गईआं, ते दुनिया के लोग कहणगे फलाना सिंघा तेरे करती नहीं जम्मी देवी जम्मी, गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कोल बैठियां तुहानूं देवी की उपाधि मिली।
मैं नहीं कहिंदा असी आसा दी वार पढ़ते ते सुनते हाँ बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सो चंदा उगव है सूर चढ़े हजार एते चरण होंदे गुर बिन कोर अंधार। ए गुरु ता मान है एदे विच काम नहीं एदे विच क्रोध नहीं एदे विच लोभ नहीं एदे विच मोह नहीं एदे विच हंकार नहीं। मैं बेनती कीती है मनुख दे अंदर कदे काम दा प्रभाव कदे क्रोध दा बोलबाला कदे लोभ दियां लहरां लोभ लहर सब स्वान हलक है हे लोभा लंपट संग सिर मोरे आन कलैरी कलोलते तवंत जिया बहु प्रकारं आनक भांत बहु डोलते नाच मित्र नाच इष्टं नाच बांधव नाच मात पिता तजल जया अकर्ण क्रोध अखाद खादं असाज मुसा समझया। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोह तारे ते इस गुरु की रहमत लैण दा एको एक तरीका है कि आप गुरु का अमर छक के गुरु दे लड़ लगीए। और इस अमर दे पक्ष बारे मैं कल दे टाइम विच खुलासे सहित तुहाडे नाल विचार करांगा क्योंकि टाइम दे मुताबिक आप चलीए ना। मैं आप जिन्हां महापुरुषां दी याद मना रहे हैं वह पंक्चुअल सन। भाई जरनैल सिंह जी नाल ने चंडीगढ़ गए तो उन्होंने 50 मिनट टाइम दिता कहिंदे सिंघो कदे मैनूं मिणती नाल टाइम नहीं सी मिलिया ते उन्होंने 45 मिनटां विच गल करके कहण लगे सिकत्तर साहब तुहाडे लई बाकी दे 5 मिनट मैं छड्डे ने। इस करके मैं नियम दे मुताबिक इत्थे अपने विचारां नूं विराम देना ते पहला भी कहा है वार वार कहिंदे रहना है पूरे दियां गल्लां अधूरियां तों कदे पूरियां नहीं हुंदियां। असीं अधूरे हाँ गुरु पूरा है सतगुरु पातशाह साडे ते रहमत करन। और मैं तुहाडे कोलों एक ग्रही करनी है पैसों की नहीं वह तुसीं गुरु अगे अरदास करो। असीं जो धार्मिक मनुख तुहानूं धर्म की गल कहिंदे आ साडा जीवन डुप्लीकेट ना होवे साडी कहनी ते कथनी इक होवे। ये ना होवे कि अवर उपदेशे आप ना करे आवत जावत जन्मे मरे। तुसीं सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दे अगे बेनती करो पातशाह जिहड़े सानू धर्म की गल कहिंदे ने इन्हां दे अंदर भी कितें धर्म टिके ये धर्म दे धारनी होण। ये मैं गुरु ते गुरु की संगत कोलों खैर मंगदा ते साडी यूनिफॉर्म चिट्टे कपड़े ने ये गुरु अगे दुआ करो कि साडे चिट्टे कपड़िआं नूं कितें काला दाग ना लगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।